सब्सक्राइब कीजिए श्री रोशनी फिल्म चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्ते, आइए आज के योगाभ्यास क्रम में आज हम थायराइड से बचने के लिए अर्थात थायराइड को क्योर करने के लिए योगाभ्यास बताएंगे। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ औषध। आइए सबसे पहले थायराइड को क्योर करने के लिए प्राणायाम बताते हैं। ऐसे आज आपको 5 योगाभ्यास के अभ्यास बताएंगे, जिसमें सबसे सर्वप्रथम हम थायराइड से बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायामों के क्रम में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना, ऐसे थायराइड से बचने के लिए सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जो 2 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, जिससे कि हमारा पूरा डायफ्राम स्वच्छ होते हुए हमारे थायराइड रोग अर्थात हमारे गले के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सक्रिय करता है, अर्थात उनसे जो हार्मोन्स जो रस स्रावित होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो सबसे पहला ये प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। फिर दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम थायराइड्स के लिए बहुत उत्तम प्राणायाम है। सभी प्राणायामों में सबसे उत्तम प्राणायाम, थायराइड को क्योर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम ये कपालभाति प्राणायाम। बीपी, हार्ट, डिप्रेशन, थायराइड्स सबको संतुलित करने के लिए, जिनको बीपी, हार्ट की समस्या है वो सामान्य रूप से करें धीमे धीमे। बहुत उत्तम प्राणायाम ये कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे गले के जो भी ग्लैंड्स हैं, जो रस उसे स्रावित होने वाले होते हैं, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो चाहे जो भी उसके सहयोगी ग्लैंड्स होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर संतुलित रस हार्मोन्स और केमिकल्स बनने लगते हैं, जिससे कि थायराइड रोग हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। तो ये दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम। सभी प्राणायामों के दृष्टि से सभी प्राणायामों में सबसे उत्तम प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास को अंकुचन के साथ श्वास को अंदर भरते हैं, उज्जायी प्राणायाम को 3 आवृत्ति से लेके 5 आवृत्ति, 5 आवृत्ति से लेके 11, 21, 21 बार कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, कपालभाति प्राणायाम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, असाध्य रोगों में तो 15-15 मिनट, 30-30 मिनट तक करा दिया जाता है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, तो असाध्य रोग क्योर हो जाता है। जिस रोग को एलोपैथ में अनक्योर किया जाता है अर्थात पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता, उसको योग में आसन से प्राणायाम से 100% क्योर कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम प्राणायाम कपालभाति। उज्जायी प्राणायाम 3 बार से लेके 5 बार, 11-11 बार कर लेते हैं तो हमेशा के लिए थायराइड रोग क्योर हो जाता है। थायराइड रोग के लिए ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर, अंगूठे के तुरंत नीचे एक्यूप्रेशर, यहाँ पे किसी नुकीले ऐसे पॉइंटर से 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक इसको दबा सकते हैं। यहाँ पे ये एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा ये भी होता है, 5-5 मिनट दोनों हाथ में, अगर 5 मिनट यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे अगर दबा दिया जाए, 10 मिनट ये एक्यूप्रेशर कर लिया जाए तो एक्यूप्रेशर से भी थायराइड रोग क्योर हो जाता है। ये अंगूठे के नीचे जस्ट यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये एक्यूप्रेशर का। फिर इसके बाद से एक और सबसे अच्छा आसन होता है सिंह आसन। दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ करके वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को जंघों के बीच में रख के और जिह्वा को निकाल के शेर की तरह गर्जना लगाना रहता है।
थायराइड रोग को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा, एक तरह से रोगोपचार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आसन होता है सिंह आसन। तो ये पांच अभ्यास हमने आपको बताया थायराइड रोग को क्योर करने के लिए। ऐसे तीन आसन और बहुत अच्छा होता है जिसको हम लोग लेट के कर सकते हैं ऐसे। पहला सर्वांगासन, क्योंकि समस्त हमारे शरीर में नस नाड़ियों का एक संचालन हमारे गर्दन से होके जाता है, तो अपने गर्दन के लिए सबसे अच्छा ये एक तरह से बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है सर्वांग आसन। लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू फॉलो ऑल माय नोटिफिकेशंस ऑन योर नोटिफिकेशन बार। दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम अभ्यास होता है। सब्सक्राइब कीजिए श्री रोशनी फिल्म चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले।